पीएम मोदी के आह्वान पर नागरिकों ने स्वतः किया बंद, महिलाओं ने थाली बजाकर जताया आभार। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस के तेजी से फैलने से रोकने के लिए एक दिन का जनता कर्फ्यू आह्वान किया गया था, जिसमें जनता द्वारा स्वयं ही घर पर रहकर कर्फ्यू का पालन करना था, जिससे कि कोरोना रूपी वायरस की चैन टूट सके और इसे रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का असर ऐसा हुआ कि गंज बासौदा नगर पूर्ण रूप से बंद रहा। कर्फ्यू में पेट्रोल पंप मेडिकल को छूट दी गई थी, लेकिन कई मेडिकल और पेट्रोल पंप वाले मोदी जी के आह्वान पर समर्थन में खड़े दिखे और अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। शाम 5 बजे घरों की बालकनी में महिलाओं के साथ नागरिकों ने हाथों में थाली, शंख, झालर लेकर जोर जोर से बजाना शुरू किया। पूछने पर बताया गया कि जब एक तरफ पूरे देश इस महामारी रूपी संक्रमण से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अपनी जान खतरे में डालकर स्वच्छता प्रभारी सफाई कर रहे हैं, डॉक्टर नर्सेस इलाज कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों का थाली एवं ताली बजाकर नागरिकों ने आभार व्यक्त किया, जो देश की इस लड़ाई में साथ खड़े हैं और अपनी जान खतरे में इसलिए डाल रहे हैं कि देश के नागरिकों की जान बच सके। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और इस आह्वान में जो हमारे प्रशासनिक अमला, जनसेवक, स्वास्थ्यकर्मी और जो अन्य नागरिक जिन्होंने बहुत पूरे अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे शहर में घूम रहे थे, लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे थे, ये हम सब जानते हैं कि इतना संक्रमित वायरस है, इसके बावजूद उन्होंने अपनी परवाह नहीं की और वो बराबर पूरे शहर में घूम रहे थे। इसके लिए हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 5 बजे हम लोग घंटी बजाकर, ताली बजाकर, थाली बजाकर और जिस तरीके से भी चाहें इनका अभिवादन करना है, और वही पूरी जनता ने किया। मैंने देखा बाहर खड़े होने पे कि एक भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पे कोई थाली ना बजा रहा हो या कोई ताली ना बजा रहा हो। तो ये हमारे पूरे प्रशासनिक अमले को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे शहर में पूरे दिन अपनी ड्यूटी दी है।